चंद्रयान 3 चांद पर अब तक नहीं जगे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, इसरो चीफ ने बताया कब तक है आस। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का चांद पर दूसरी पारी शुरू होने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक दोनों से कोई सिग्नल नहीं मिला है। इसरो चीफ एस सोमनाथ को उम्मीद है कि विक्रम और प्रज्ञान जरूर जगेंगे। वह इसके लिए 14 दिन तक का इंतजार कर सकते हैं। चांद पर सूरज को उगे 3 दिन हो चुके हैं। सबको इंतजार है वहां गहरी नींद में सोए चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के जगने का। लेकिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को विक्रम और प्रज्ञान से अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिले हैं। इसरो को उम्मीद है कि दोनों दूसरी पारी के लिए जगेंगे और प्रज्ञान फिर से चांद की सतह पर चहलकदमी करेगा। इसरो ने आस नहीं छोड़ी है, लेकिन लैंडर और रोवर के जगने की आस आखिर कब तक लगाई जाए? इसरो चीफ एस सोमनाथ ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया कि हम विक्रम और प्रज्ञान के फिर एक्टिव होने के लिए चांद के एक पूरे दिन यानी धरती के 14 दिनों तक इंतजार कर सकते हैं। इसरो चीफ को उम्मीद है कि विक्रम और प्रज्ञान एक बार फिर एक्टिव होंगे। उन्होंने बताया अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आगे भी सिग्नल नहीं मिलेगा। हम एक पूरे चंद्र दिवस धरती के 14 दिन तक इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान वहां लगातार सूर्य की रोशनी पहुंचती रहेगी, जिसका मतलब है कि तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एस सोमनाथ ने बताया तापमान बढ़ेगा तो प्रज्ञान और विक्रम के सिस्टम में भी अंदर से गर्माहट आएगी, इससे सिस्टम 14वें दिन भी जग सकता है। लेकिन यह कब होगा इसकी भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है। इसरो चीफ ने कहा कि अगर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान फिर से एक्टिव होते हैं तो इसके कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वह फिर से वहां स्टडी शुरू कर देंगे। उन्होंने बताया हमने जो कई प्रयोग किए हैं उनसे हमें डेटा मिला है, लेकिन समय के साथ उनमें बदलाव आ सकता है। अगर हम वहां लैंडर को एक बार फिर थोड़ा सा उछाल कर लैंडिंग करा लेते हैं तो हमें एक अन्य लोकेशन का डेटा मिल जाएगा जो अच्छा है। इसकी वजह ये है कि एक ही लोकेशन से लगातार मिल रहे डेटा वहां की सतह के बारे में असली तस्वीर नहीं बताएंगे। अगर हमें कई लोकेशन मिलते हैं तो हमें चांद के सतह को उसकी विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि अलग अलग लोकेशन से रंभा के साथ साथ अन्य उपकरणों को भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अलग अलग जगह से अलग अलग समय के डेटा मिलेंगे। प्रज्ञान पर लगे उपकरणों ने पहले ही अलग अलग लोकेशन पर एक्सपेरिमेंट कर लिया है, लेकिन और ज्यादा लोकेशन होंगे तो और बेहतर ही होगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर दूसरी पारी शुरू करते हैं या नहीं, इससे चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मिशन ने पहले ही अपने लिए तय किए गए सभी उद्देश्यों को सफलता से पूरा कर लिया है, मसलन चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर का चांद की सतह पर चहलकदमी और वहां वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट। इसरो ने लैंडर और रोवर की जितनी लाइफ तय की थी उतना वो काम कर ही चुके हैं। अगर दोनों जग गए तब ये बोनस की तरह होगा। इसरो के कई वैज्ञानिकों ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में जोर देकर कहा है कि विक्रम और प्रज्ञान की दूसरी पारी मिशन के लिहाज से बोनस की तरह होगा।